आर्किमिडियम, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। व्हाट इज द आर्किमिडियम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन सच दैट एन वाई ग्रेटर देन एक्स। ओके, दिस इज द आर्किमिडियम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मतलब क्या है, एक्स वाई क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब अगर पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई यहाँ पर है। अगर एक वाई ग्रेटर देन अगर एक्स हुआ तो दिस इज ओबियसली होल्ड फॉर एन इक्वल्स टू वन। और अगर नहीं भी हुआ, सपोज वाई यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तब बोला जा रहा है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बोल रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर तुमको मिलेगा एन, जिसके वजह से क्या होगा, उसके साथ एन वाई को इंटू करो, एन के साथ नेचुरल नंबर को इंटू करोगे तो एन वाई का वैल्यू एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक तुमको नेचुरल नंबर मिलेगा, इसके लिए एटलीस्ट एक नेचुरल नंबर मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एन वाई का वैल्यू एन इंटू वाई करोगे तो एक से वो बड़ा हो जाएगा। इसका प्रूफ कैसे किया गया है देखते हैं। अधिकतर प्रूफ हम लोग रियल नंबर में कैसे किए हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से किए हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है, मैं पकड़ लेती हूँ, लेट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच ए नेचुरल, सच इन बिलोंग्स टू इन सच दैट इन वाई ग्रेटर देन एक्स। सपोज मैंने पकड़ लिया इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट द नेचुरल नंबर इन सच दैट इन वाई ग्रेटर देन एक्स का मतलब फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन, कोई भी नेचुरल नंबर हो लो, क्या होगा, के वाई का वैल्यू ग्रेटर देन एक्स नहीं, ग्रेटर देन एक्स नहीं होगा, मतलब क्या होगा, लेस इज इक्वल टू एक्स होगा। मैंने पकड़ लिया ऐसा कोई भी एन नहीं मिलेगा जिसके लिए ओल्ड होगा, मतलब कोई भी एन ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, इसके वजह से क्या होगा, के वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, x से छोटा नहीं तो समान होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, मतलब उल्टा क्या होगा, लेस इज इक्वल टू x होगा। ओके, तो अभी मैं एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ एक के वाई को लेकर। मैंने सपोज एक सेट कंस्ट्रक्ट किया के वाई, वेयर k बिलोंग्स टू n। सबसे पहले मुझे दिखाना है नॉन एम्प्टी, ये तो नॉन एम्प्टी होगा ऑब्वियसली, बिकॉज y बिलोंग्स टू s, y इज गिवन हेयर, तो y बिलोंग्स टू s, सो s इज नॉन एम्प्टी, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी। एंड ऑल्सो क्या है, बाई दिस कंडीशन बाउंडेड अबव, इसका हर एक एलिमेंट देखो एक से छोटा नहीं तो समान है, एंड ऑल्सो क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा, तो एस इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव, तो बाई सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या होगा, एल यू बी ऑफ एस नहीं तो सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट होगा, लेट दिस इक्वल्स टू बी से, ठीक है, एग्जिस्ट होगा, मुझे पता है बाई एल यू बी सुप्रीमम ऑफ एस, मुझे पता है एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड हब ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ ए लिस्ट ऑफ अबव या फिर सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा, मैंने पकड़ लिया इसका वैल्यू है बी सपोज, तो बी क्या है, बी है एल यू बी और सुप्रीमम, मतलब ये इसका क्या, पहले तो अपर बाउंड का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, अपर बाउंड होगा मतलब इसका कोई भी एलिमेंट ले लो क्या होगा, बी से छोटा नहीं तो समान होगा, राइट, छोटा नहीं तो समान होगा, मतलब फॉर ऑल k belongs to natural number, एक के वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये इसका अपर बाउंड है, मतलब कि इसका कोई भी वैल्यू क्या होगा, इससे छोटा नहीं तो समान होगा, राइट, क्योंकि v इज द अपर बाउंड ऑफ s, एंड दिस इज ऑल्सो लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड में से सबसे छोटा है ये b, मतलब इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लीस्ट अपर बाउंड का भी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो b माइनस इप्सिलॉन था, तो यहाँ पर इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर इप्सिलॉन के जगह यहाँ पर हम ले लेंगे y, इप्सिलॉन के जगह y ग्रेटर देन जीरो y ले ही सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इप्सिलॉन के जगह y ले, तो अगर b माइनस y लेंगे, सपोज b माइनस y लेंगे, तो b माइनस वन तो लेस देन b ऑब्वियसली होगा, तो मतलब b माइनस वन दैट इज b माइनस वन y इज ये था
लिस्ट अपर बाउंड, अरे b माइनस वाई b से छोटा है तो दिस इज नॉट, इज नॉट एल यू बी ऑफ s, ठीक है, ये इसका क्या होगा, अपर एल यू बी क्या, अपर बाउंड ही नहीं होगा, अपर बाउंड में से छोटा है तो ये एल यू बी नहीं होगा। सो मतलब क्या होगा, मतलब इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर दिया तो ये इसका b माइनस वाई इसका अपर बाउंड नहीं है, मतलब इसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट मिलेगा जो इससे क्या होगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका एलिमेंट तो यहाँ पर नेचुरल नंबर से डिफाइन किया गया है, मतलब देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए पी बिलोंग्स टू एन सच दैट क्या होगा, सच दैट पी वाई इज क्या होगा, पी वाई का वैल्यू क्या होगा, इससे b माइनस वाई से बड़ा हो जाएगा, एक एलिमेंट मिलेगा b माइनस वाई इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ लिस्ट, अपर बाउंड ऑफ s, अपर बाउंड नहीं होगा b माइनस छोटा, तो ये क्या था, b था अपर बाउंड में से सबसे छोटा लिस्ट, मतलब इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ये इसका अपर बाउंड नहीं होगा, मतलब s में से कोई भी, s में एटलीस्ट एक एलिमेंट मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, मतलब इसका एलिमेंट मतलब नेचुरल नंबर से डिपेंड है, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पी बिलोंग्स टू एन एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट पी वाई का वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ विच इम्प्लाई बी माइनस वाई लेस देन पी वाई, ऐसे लिख सकते हैं, एंड पी वाई इज द एलिमेंट ऑफ एस एंड बी इज द अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, तो ओबियसली ओबियसली क्या होगा, पी वाई लेस इज इक्वल टू बी होगा ऑल्सो, मुझे पता है, राइट। नाउ फ्रॉम दिस टू कंडीशन मैं लिख सकती हूँ इसको इस साइड में लेकर आओ, वाई इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वाई को कॉमन ले लो तो पी प्लस वन वाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है दैट इज दिस इम्प्लाई पी प्लस वन वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ओके। तो पी नाउ नाउ पी बिलोंग्स टू एन, अगर पी बिलोंग्स टू एन है तो पी प्लस वन ओबियसली बिलोंग्स टू एन होगा, सो पी प्लस वन वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, एस, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिला, पी प्लस वन वाई हेयर हेयर पी प्लस वन वाई मुझे क्या मिला है, पी प्लस वन वाई ग्रेटर देन बी मिला है, ग्रेटर देन बी मिला है, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible or which is a contradiction, why, क्योंकि b is the upper bound, least upper bound of s, ये तो इसका अपर बाउंड था, हर एक एलिमेंट तो इसका हर एक एलिमेंट इससे छोटा नहीं तो समान होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट मिल गया है s का जो क्या होगा, इससे बड़ा हो गया, तो this is not possible, मतलब मैंने हम लोगों ने जो पकड़ा था कि ऐसा कोई n में नहीं मिलेगा जिसके वजह से ये होगा, हर एक n के लिए less is equal to x होगा, ये गलत है, मतलब there exist ए नेचुरल नंबर इन सच दैट क्या होना पड़ेगा, एन वाई इज ग्रेटर देन एक्स होगा, दिस इज द